आला मटेरियल के साथ। और ये जितना भी काम हुआ पड़ा है ये सब का सब अफशा में काम हुआ पड़ा है। ये जितने भी यहाँ पे कलर इस्तेमाल हुए हुए हैं ये सारे अफशा के कलर इस्तेमाल हुए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो वाइट भराई हुई घड़ी है ये भी वाइट शीशा है, ये अफशा में है, ये भी वाइट शीशा है, ये भी अफशा में मिलता है हमें मार्केट से। बाकी ये जितने भी कलर्स लगे हुए हैं ये सब के सब अफशा वाले हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी चमक जो है ना नज़र आ रही होगी आप लोगों को। ये सब का सब जो है ना अफशा वाले कलर इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरती के साथ। तो गाइस ये मेरे पीर मुर्शिद हैं हज़रत अलहाज हाफिज़ जाफ़र अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। तो गाइस ये मेरे पीर मुर्शिद हैं हज़रत अलहाज हाफिज़ जाफ़र अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ये इनके साहबजादे हैं हाफिज़ फैज़ इमाम कमरी, ये साथ सैयद इमाम अली शाह, सैयद मोहसिन अली शाह और पीर सैयद नवाज़ अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। इस वक्त ये दरबार शरीफ के गद्दी नशीन जो हैं पीर सैयद नवाज़ अली शाह साहब हैं और ये साथ इनके दोनों भाई बैठे हुए हैं और ये मेरे पीर मुर्शिद हैं। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल करें और मेरे चैनल को लाइक कर दें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। तो गाइस आज मैं और मेरी फैमिली आए हुए हैं मेरे मुर्शिद की आस्थान आलिया पर और उनकी मज़ार पर। ये मेरे मुर्शिद हज़रत पीर सैयद जाफ़र हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गोगड़ा शरीफ वाले ज़िला लोधरा में इनकी मज़ार है, वहाँ पे आज हम लोग आए हुए हैं क्योंकि मेरी सासू माँ की तबीयत नहीं ठीक है। काफ़ी दिन हो गए हैं, मैक्सिमम को डेढ़ मंथ हो गया, मेरी सासू माँ की तबीयत जो है ना बहुत ख़राब है। तो हम अपने पीर मुर्शिद के आस्थाने पर आए हुए हैं, यहाँ उनके साहबजादे हैं हज़रत पीर सैयद नवाज़िश हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, वो इस वक्त गद्दी नशीन है। तो उनसे बस कोई दुआ के लिए आए हुए थे हम लोग। तो ये मेरे मुर्शिद साहब के वालिद साहब हैं हज़रत पीर सैयद मोहम्मद कमरुद्दीन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती निज़ामी, ये उनका मज़ार शरीफ है। माशाल्लाह यहाँ पे आकर दिल को बहुत सुकून मिला हमें। और हम यहाँ पे जिस सिलसिले में आए थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो काम भी हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ये इनके वालिद गिरामी की मज़ार है हज़रत पीर सैयद कमरुद्दीन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, और ये हमारे ज़िला लोधरा में वाक़िया है और ये बहुत बड़ी गद्दी है माशाल्लाह, बहुत माने हुए ये पीर हैं। ये इस्लामाबाद में जो पीर हैं हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके खलीफा की लड़ी में से हैं और इनका माशाल्लाह यहाँ पर शजरा नसब जो है ना माशाल्लाह बहुत ही लंबा है। और इनके ख़ानदान के अंदर माशाल्लाह जितने भी बच्चे हैं सब के सब जो है माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, सब के सब माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। इनका बच्चा बच्चा जो है ना वो हाफिज़ कुरान है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इनके मज़ार हैं। ये मेरे पीर मुर्शिद हैं हज़रत अलहाज हाफिज़ जाफ़र अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, ये साथ सैयद इमाम अली शाह, सैयद मोहसिन अली शाह और पीर सैयद नवाज़ अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। इस वक्त ये दरबार शरीफ के गद्दी नशीन जो हैं पीर सैयद नवाज़िश अली शाह साहब हैं और ये साथ इनके दोनों भाई बैठे हुए हैं और ये मेरे पीर मुर्शिद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे हैं गाइस? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। तो गाइस आज मैं अपने पुराने काम पर आया हुआ हूँ जहाँ पर मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद इमरान मुल्तानी साहब काम कर रहे हैं, यहाँ पर ही मैं भी काम करके गया था माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि चलें आज की आप लोगों के साथ जो है ना वीडियो भी शेयर की जाए। तो यहाँ पे मेरे साथ मोहतरम ने बनाया हुआ खाना काबा और साथ दो मीनार लगाया हुआ, नीचे बरामदा वगैरह बनाया हुआ है और साइडों पे जो है ना अल्लाह तबरक व तआला के 100 नाम भी लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने जो है ना नामों की सेटिंग की है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह 103 नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ।
तो गाइस माशाल्लाह ये नाम लगाने के बाद यहाँ पे ये नीचे हम लोगों ने जो है ना डिज़ाइनिंग की हुई है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल लाजवाब डिज़ाइनिंग। मल्टी कलर की बेलेंच लगी हुई है और अफशां कलर के वाइट शीशा लगाया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे, अफशां में वाइट कलर का यहाँ पे शीशा लगाया हुआ है इस डिज़ाइनिंग के अंदर। ये इस साइड पे भी है और ये यहाँ पर जो है ना या अल्लाह लिखा है, साथ नीचे जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग के साथ, बहुत ही खूबसूरती के साथ माशाल्लाह यहाँ पे मेहनत की है उस्ताद मोहतरम ने, उस्ताद मोहम्मद इमरान। माशाल्लाह बहुत प्यारा काम किया हुआ है इन्होंने जनाब यहाँ पे। और जैसा कि जो लोग मेरे साथ पहले से अटैच हैं उन लोगों को तो मालूम होगा माशाल्लाह, ये शायद हो सकते हैं मेरे कुछ दोस्तों ने, कुछ गाइज ने जो है ना इस काम की पहले ही वीडियो वॉच कर रखी होगी। तो लेकिन जो मेरे लिए न्यू है उन लोगों के लिए मैं एक बार फिर से इस मेहराब की जो है ना वीडियो शूट कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग माशाल्लाह कौन सा काम करते होते हैं और कितना खूबसूरत काम करते होते हैं हम लोग। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर डिज़ाइनिंग की गई है। मल्टी कलर की बेंच लगाई गई है और नीचे नीचे जो है ना अफशां कलर वाला जो शीशा लगा हुआ है ना, वाइट कलर का शीशा लगाया गया नीचे, क्योंकि यहाँ के लोगों को एतराज़ था कि नीचे जो है ना आक्स नहीं आना चाहिए, तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे नीचे नीचे जो है ना सारा रंगीन काम किया गया है। और यहाँ पे अल्लाह अकबर और याहिया कयूम लिखा हुआ है, इससे ऊपर ऊपर जो है ना वाइट कलर का शीशा इस्तेमाल किया गया। और उसके अलावा ये सामने हम लोगों ने कलमा शरीफ लिखा था, यह कलमा शरीफ लिखा हुआ है यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ। और इस साइड पे जो है सुबहानअल्लाह लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज में। और इस साइड पे जो है ना मस्जिद की तारीख, जो शीशा लगाने की तारीख, शीशे का काम ये फ्रंट वाला कम्प्लीट हुआ था उस वक्त की ये तारीख लिखी हुई है, 19 रजब अल-मुरजब 1444 हिजरी 11 फरवरी 2023 बरोज़ हफ्ता। तो इसी के साथ ही इस साइट से लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आ जाते हैं हम लोग इस साइट पे, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल डिज़ाइनिंग के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी 103 और सेंटर में जो है ना मस्जिद नबी लगाई गई है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही मेहनत और महारत के साथ माशाल्लाह यहाँ पे ये काम किया गया। ये बाकी वैसी डिज़ाइनिंग है जैसी उस साइड पे डिज़ाइनिंग थी, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जो है ना यहाँ पे डिज़ाइनिंग की गई है आला मटेरियल के साथ। और ये जितना भी काम अफशां में काम हुआ पड़ा, ये जितने भी यहाँ पे कलर इस्तेमाल हुए हुए हैं ये सारे अफशां के कलर इस्तेमाल हुए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये जो वाइट भराई हुई घड़ी है ये भी वाइट शीशा है, ये अफशां में है, ये भी वाइट शीशा है, ये भी अफशां में मिलता है हमें मार्केट से। बाकी ये जितने भी कलर्स लगे हुए हैं ये सब के सब अफशां वाले हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी चमक जो है ना नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ये सब का सब जो है ना अफशां वाले कलर इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे इसकी सारी डिज़ाइनिंग की गई है। और इस साइड पे हम लोगों ने लिखा हुआ है जी या मोहम्मद वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिलआलमीन। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ ये मालिक ने उस्ताद मोहतरम को जो है ना कंप्यूटर से ये डिज़ाइन निकलवा के दिया, तो उन्होंने जो है ना इसकी सारी कटाई खुद की है और इन्होंने यहाँ पर लगवाई भी की है माशाल्लाह। ये इंजीनियर हैं यहाँ के भाई एक जो काम करवा रहे हैं शीशे का, तो उन्होंने जो है ना खुद डिज़ाइन बनाया बैठ के कंप्यूटर पर, उसके बाद उन्होंने इन्हें जो है ना ये स्केच निकाल के दिया, तो उस्ताद मोहतरम ने जो है ना इसका इस स्केच को जो है ना कॉपी किया और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरती के साथ बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने इस काम में जो है ना चार चांद लगा दिए। तो इसी के साथ ही गाइज ये ऊपर छत का काम भी हुआ पड़ा है, जिन गाइज ने पहले मेरी इस काम की वीडियो देखी हुई होगी उन लोगों को तो मालूम होगा, जो न्यू है उन लोगों के लिए एक बार फिर इस छत की सीलिंग के ऊपर ये सारा काम हुआ पड़ा है। छत के साथ जो है ना वाटर लगा हुआ है मुल्तानी ग्लास आर्ट वर्क के शीशे के काम का। और ये जो है ना सेंटर में बीम थे, बीम के ऊपर भी यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग की गई है इसके ऊपर।
ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही मेहनत के साथ जो है ना यहाँ पे ये काम किया गया है। और ऐसे फिर ये बॉर्डर चलता हुआ फिर छत की जो है ना चारों तरफ से घूमता हुआ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरती के साथ कमाल डिज़ाइनिंग और बहुत ही प्यारा काम। असल में थोड़ा सा मेरे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है क्योंकि मैं बहुत दूर आया हुआ हूँ और मैंने वापस घर भी जाना है, इसलिए जो है ना मैं वीडियो थोड़ी सी जल्दी में बना रहा हूँ। तो जिन लोगों को डिज़ाइन की समझ ना आ रही हो तो उन लोगों से माजरत चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आपके बॉर्डर का व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि माशाल्लाह यहाँ पे कितना बड़ा काम माशाल्लाह हो रहा है। तो गाइज ये जो है ना ये छत के साथ पूरा पूरा ये डिज़ाइन वहाँ पे जाके टच हो गया। तो ये पूरा फ्रंट का काम और छत के ऊपर जो है ना बॉर्डर ये चारों तरफ से लग चुके हैं और माशाल्लाह ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है ये माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं ये पूरा फ्रंट का काम और मेहराब माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत डिज़ाइनिंग के साथ। और जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू है उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल कर लें। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो पर लाइक्स कमेंट्स लाजमी कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिए। तो इसी के साथ ही दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान, फ़ी अमानुल्लाह, हमेशा खुश रहें और अपना रखें बहुत सारा ख्याल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। और गाइज ये काम भी इस वक्त हमारा कंटिन्यू है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल। क्या हाल है? बहुत ही प्यारा काम माशाल्लाह। क्या हाल है? ठीक गाइस ये काम हमारा अभी कंटिन्यू है माशाल्लाह, ये फ्रंट का काम है। इस साइड पे हम लोगों ने लिखा हुआ है माशाल्लाह और ऊपर नीचे जो है ना डिज़ाइनिंग, ये दरमियान में जो है ना यहाँ पर आएंगे हदीस मुबारक। हदीस मुबारक जो है ना वो अभी लिखवाने के लिए दी हुई है पेंटर को, तो पेंटर हमें देगा लिखाई करके, तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना यहाँ पे लगाई करेंगे। तो उस साइड पे हम लोगों ने लिखा हुआ सुभान अल्लाह। ये शायद आप लोगों को मालूम होगा कदीमी जामिया मस्जिद व मदरसा अरबिया गौसिया महरिया इमामिया उम्मतुल इस्लाम गोगड़ा शरीफ में है ये मस्जिद, उसका ये काम है। तो गाइस मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल कर दें, अब्दुल माजिद मुल्तानी का चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।